प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चों, प्रश्न है हमारा, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है? दिया हमें आयत का परिमाप दिया है और चौड़ाई दी है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास है, लंबाई की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास नहीं है। तो निकालने किसकी सहायता से? परिमाप। ठीक है, चलिए हल करते हैं। आयत का परिमाप कितना दिया है साहब? 130 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और दो से गुणा कर दो, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो डबल कर दो, तो क्या मिल जाता है? परिमाप बराबर 130। दो लंबाई दिए क्या? नहीं दिए, तो लंबाई ऐसी कैसी छोड़ दो। चौड़ाई दिए क्या? हाँ दिए। कितनी दिए? 30 बराबर 130। ये दो यहां पर क्या है? गुणे में है, तो इसका पक्षांतर करेंगे। है का मतलब इनका होता है बराबर। समझ लिया तो कहां चली है वही वो भाग गुणा। शाबाश। तो लंबाई धन 30 बराबर 130 बटे 2, ये दो कहां सा है? नहीं आता। ठीक है, दो आए तो गुणा तो पक्षांतर करियो तो कहीं जाए वो भाग चली जाए। दो 130 में कटिया हो क्योंकि 130 सम संख्या और जितनी भी सम संख्या है सभी में दो का भाग जाए। तो दो एकम दो, दो छी 12, यहाँ पे 13, तो क्या बचेगा यहाँ से? 10, 2 5 10, क्या आया? 65। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 65 माइनस 30। यो रेट को 30 कहाँ से आया? तो यो यहाँ से आया, धन का 30 था, पक्षांतर किया बराबर से उधर गया तो ऋण 30 हो गया। अब 65 में से 30 घटे तो 5 में से 0 गया तो 5 का 5, 6 में से 3 गया तो 3। तो लंबाई क्या आ गई? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चौड़ाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई, अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल। चलो निकाल लेते हैं, इधर कोने में निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? इसका सूत्र लंबाई चौड़ाई लट्टू और चौखा का गुणा है ना। तो लंबाई कितनी है? 35 गुणी चौड़ाई कितनी है? 30। ये तो बहुत बड़ा गुणा है क्या? लो करो, ये 30 है ना, तो इसकी शून्य को भी आप भूल जाओ। भूल गए तो क्या बचा? तीन पंद्रह का 5, हासिल का 1, 3 दिया 9 और 1 10। तो क्या शून्य का बोला था मैंने? 0। शून्य लगा दो बराबर क्या है? आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ एक दिक्कत है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का मात्रक क्या था? सेंटीमीटर। इतना भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, यह आयत का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है? ओके।